आज हम आपको दिखाएंगे कड़े वाली मोरी कैसे बनती है, इसके बारे में बताएंगे। और इसके अंदर हमने रस्सी ली है 8 mm और इसकी लंबाई है 24 फुट। तो इसके कैसे बनेगी इसके बारे में बताते हैं आज। ये हमने रस्सी ली है, इस 24 फुट को हम ऐसे भी नाप सकते हैं जैसे एक लगभग 6 फुट के होते आम इंसान की, इस तरह से ऐसे। अब हम दोनों सिरे हाथ में ले लिए और ये कड़ा जो कि नीचे आएगा ये डाल लेते हैं पहले, उसके बाद ये गांठ लगाएंगे। ये है सिंपल मोरी ऐसे। अब हमने इसकी लंबाई यहाँ तक, जिसको एक हाथ बोलते हैं, करीब 1.5 फुट ये ऐसे लेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। उसके बाद इस कड़े वाले को ऐसे निकाल लेंगे, इस तरह से कड़ा साथ में आ जाएगा। और अब ये वाली रस्सी इन दोनों के बीच से निकालेंगे ऐसे। और इसके बाद ये वाली के बीच से ये निकलेगी ऐसे। और लास्ट में इसको कड़े समेत यहाँ से अंगूठा निकाल लेंगे और इसे यहाँ डाल देंगे। ये यहाँ कड़ा डल के तैयार हो गया। इसके बाद में हमने लगानी है आगे वाली गांठ, जो कि इस गांठ को हम इस साइड पलटेंगे ताकि इसके अंदर होल होता है, ये बाहर की साइड रहेगी ऐसे। अब जो नाक के ऊपर से आएगी वो रस्सी ये है, इसका करीब 10-11 इंच का फैसला लेंगे इस तरह। इसमें से बाहर वाली रस्सी को फिर निकालेंगे बाहर की साइड, जिसकी लंबाई वही 1.5 फुट यानी इसके बराबर ऐसे। और इसी तरह गांठ ये लगेगी इन तीनों का ऐसे मिलान होगा। इसके बाद ये, और अब इस रस्सी को यहाँ से निकालेंगे ऐसे निकल जाएगी। और ये दूसरे वाली गांठ भी हमारी लग गई, ये मोरी बनके तैयार हो गई। पहले हम निकालते थे इस रस्सी के अंदर इसको ऐसे, अब हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसको कड़े वाली बोलते हैं। ये मोरी बिल्कुल तैयार है, इसमें न ज़्यादा टाइम लगता और सिंपल मोरी बन जाती है, जल्दी बन जाती है।